Hey guys, welcome back to my channel. My name is Vishal Barman and you are watching VRP Vlog. So, आज बहुत ही ज़्यादा excited हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं वाराणसी. इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था ना, जो ट्रैकिंग किए थे शिवगादी का, तो उसमें मैंने बताया था और गौरिक ने भी बताया था. तो हम लोग दोनों वाराणस जाने वाले हैं ना, तो आज वो दिन आ ही चुका है. एंड मैं घर से निकला 8:05 या 8:10 इसी तरह कुछ होगा. एंड अभी हो रहा है 8:46. मैं पहुंच चुका था तीन पहाड़ 8:25 या 8:20 तक में. तो बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी तक ट्रेन नहीं आया है, ट्रेन आने वाला है. तो उधर से गौरिक जो है वो आ चुका है, मतलब उधर से ट्रेन में है वो. तो और मैं इधर से ट्रेन में चलूँगा. पहले मेरा प्लान था मालदा जाने का, बट फिर प्लान चेंज हो गया. मतलब ट्रेन तीन पहाड़ में रुकती है, मुझे बाद में पता चला, इसलिए मैं मालदा नहीं गया. मैं मालदा निकलने भी वाला था, उसके बाद मतलब उससे पहले पता चला जो तीन पहाड़ में ट्रेन रुकती है, तो बस मैं और नहीं गया मालदा. एंड अभी यहाँ से मैं चलूँगा ट्रेन में, और हमारा ट्रेन है फरक्का एक्सप्रेस. सो गौरी उधर से मालदा से चढ़ चुका है ऑलरेडी, तो नहीं पता वो क्या कर रहा है ट्रेन में. एंड अभी मैं भी जाऊँगा, तो अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं क्योंकि ट्रेन अभी लेट है. ट्रेन लेट चल रहा है थोड़ा सा, ऐसे तो 9:07 में है ट्रेन, लेकिन ट्रेन 9 मिनट इसी तरह लेट चल रहा है. तो अब बैठ कर रहते हैं जब तक ट्रेन नहीं आता है, तो चलेंगे उसके बाद. तो देखते रहो व्लॉग बहुत ही. अभी मुझे एक प्लान है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा गौरिक को कॉल करते हैं, ठीक है, देखते हैं वो क्या कर रहा है. हेलो, कहाँ पे हो? हेलो हेलो, हाँ भाई बोल. कहाँ पे हो? अरे क्या बोले, अब बैठे बैठे बोर हो रहे हैं. क्यों, ट्रेन कहाँ पे है अभी? तू कहाँ पे है भाई? अरे मैं तो तीन पहाड़ पहुंच चुका हूँ, कब का बैठा हुआ हूँ. बैठे तो हम लोग आ जाएंगे. हम लोग मतलब सॉरी, मैं आ जाऊंगा. कौन आ रहे हो तुम? अरे अकेला ही आ रहा हूँ. हेडलाइट ना, क्या कोई नहीं है मेरे साथ? अकेले? हाँ पूरा अकेले. और कैसा भीड़ है ट्रेन में? मेरे साइड पे तो कोई नहीं है, पूरा खाली है. पीछे और अभी फरक का क्रॉस कर गए? हाँ, हाँ, हो गया. बढ़रवा ना, ठीक है. आओ अच्छे से, ठीक है. बाय. A1 पे हाँ, सही से 2 मिनट के लिए रुकेगा. अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है. बाय बाय. सो बस वो अभी कहाँ बोला मैं भूल गया. तो नहीं, बढ़रवा वो घुस चुका है ना, तो अब तीन पहाड़ आएगा, बस वहाँ पे उसके साथ भेंट होगा, बात करेंगे. स्टेशन में एंड मुझे तिनपा स्टेशन तक छोड़ने के लिए आया है. देखो कौन, आयुष भैया, आप इसे पहचानते हो ना? बनारस बोल रहा हूँ, वृंदावन वाला ब्लॉग में आयुष भैया भी थे और आकाश भैया, इसे भी पहचानते हो. चल, तो अभी ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, बस ट्रेन आने ही वाला है क्योंकि 9:03 हो चुका है. बरहरवा से ट्रेन खुल चुकी है, 9:07 हो चुका है. तो वेट करते हैं एंड गौरिक से भी वेट कराते हैं आपको. तो चलो अभी सुबह हो चुका है. एंड अभी सुबह का 9:36 हो रहा है. एंड रात में सो गए थे, ज़्यादा बातें भी नहीं की. एंड उसे देखो अभी उठा है थोड़ा देर पहले. हेलो. अरे ट्रेन इतना लेट चल रहा है, क्या बोले आप, बहुत ट्रेन लेट चल रहा है. 1.5 घंटा लेट चल रहा है हम लोगों को, मतलब 1.5 घंटा लेट हो जाएगा जाने के लिए.
कम से कम एक बजने वाला है पहुंचने में। हम लोग का टाइम था 11:05 में, डेढ़ घंटा से भी ज़्यादा लेट चल रहा है गाड़ी, क्योंकि एक बज जाएगा एंड वहाँ से फिर ऑटो पकड़ना है, फिर ऑटो पकड़ के फिर होटल तक जाना है। तो आज का जो ये वाला व्लॉग है पार्ट वन, ये वाला सिनेमैटिक नहीं होगा, पार्ट टू से सिनेमैटिक व्लॉग आएगा, क्योंकि पार्ट वन में तो ट्रेन से आ रहे हैं तो इसमें क्या सिनेमैटिक दिखाएंगे, तो इसलिए बस देखते रहो ये। और ऊपर से बाथरूम में इतना लाइन, एक घंटा वेट करके बाथरूम जाना पड़ रहा है। एक बार तो पैंट में ही हो गया मेरा। क्या सब बातें कर रहे हो तुम, क्या सब बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे बस ऐसे। बाय बाय। तो अभी हम लोग उतर चुके हैं टोटो से। अच्छा आदमी मिला था हम लोगों को, अमन भैया नाम है उसका, मतलब अमन नाम है, हम लोग भैया करके बुला रहे थे, तो बहुत हेल्प किया उन्होंने, बहुत हेल्प किया। देखो हेल्प किया क्या बोले, और अभी ये मेरा हेल्प कर रहा है, देखो कैसे बैठ गया। बहुत हम लोग ये ट्रिप बहुत कम खर्चे में करने वाले हैं, तो आप लोगों को भी बताएंगे कैसे दौड़ के जा रहे हैं। एक किलोमीटर है तो अभी ऑटो का खर्चा बचाते हुए हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं 1 किलोमीटर। तो चलो और रूम में जाके फिर दिखाते हैं। क्या हाल चाल जी? चले चलो। जब बोलता हूँ कहानियाँ बनारस की, तो यहाँ के हर एक सिक्के में है कहानी। बनारस की गलियों में बसी है कहानियाँ, वो काशी विश्वनाथ मंदिर हो या आप बोलो काशी, दुनिया का सबसे पुराना देश हमारी काशी है। इस वीडियो में मैं आपको काशी घुमाने वाला हूँ, तो बने रहना मेरे साथ। तो गाइस अभी हम लोग दोनों निकल गए हैं रूम में, हम लोग फ्रेश हो गए एंड देन अभी निकले, और अभी हम लोग जा रहे हैं अन्नपूर्णा मंदिर और वहाँ पे दर्शन करेंगे एंड आपको भी कराएंगे। तो अभी मेन रोड तक जा रहे हैं, इधर गली है ना, तो चलो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं, आप बनारस घुमाते हैं आपको। हम लोग रूम से निकलते ही 10 मिनट भी वॉक नहीं किए, हम लोग दशाश्वमेध घाट में आ चुके हैं। देखो और ये है घाट, यहाँ पे आरती होता है शाम में, तो शाम में फिर से आएंगे। तो अभी चलो जहाँ जा रहे थे हम लोग, तो देन हम चलते चलते पहुंच गए काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने, लेकिन आपको दिखा ना पाए क्योंकि वहां पे कैमरा अलाउ नहीं था। देन हम दर्शन करने के बाद वहां से निकले। सो गाइस हमने दर्शन कर लिया आज काशी विश्वनाथ देव का एंड अभी हम आ गए हैं फिर से दशाश्वमेध घाट, क्योंकि अब आरती देखने वाला हूँ, हम आरती देखूँगा ना, तो चलो। सो
सो गाइस हम लोग पहुंच गए दशाश्वमेध घाट एंड अभी यहां पे आरती होने वाला है, तो बहुत एक्साइटेड हूं। देखो इधर ही है, देखो यहां पे आरती होगा, रेडी हो रहा है सब चीज़ एंड ये अभी पूरा एक्साइटेड है। अब फोटोग्राफी चलेगा हम लोग का थोड़ा एंड सुबह फिर से आएंगे आरती देखने के लिए। तो अभी देख रहे हैं आज कैसे, मतलब आज थोड़ा सा बैठेंगे इधर एंड फिर कल अच्छा से पूरा घाट भी घूमेंगे नाव से। देखो इधर कितना नाव लगा हुआ है, तो अभी इधर थोड़ा सा बैठते, यहाँ पे पहले से नहीं आते तो फिर जगह नहीं मिलता, तो आ गए हैं हम लोग। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम 5:05 PM हो रहा है, तो अभी बैठते हैं। आई थिंक 5:30 बजे से शुरू होता आरती, तो देखो आप। तो बनारस की गंगा आरती आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, तो तब तक के लिए बने रहना मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर से करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना।